Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, we are starting with topic called rent receipt. Yes friends, hum baat kar rahe rent receipt ki. As an auditor, hum rent receipt ko kaise check karenge? Hum audit karne gaye, humko P&L mein rent receipt dikh raha hai. आप इसको कैसे चेक करोगे गाइस? जरा समझो अच्छे से, वेरी सिंपल है सर। सबसे पहला तो अगर आपको रेंट रिसिप्ट मिला है, रेंट इनकम मिला है, तो बहुत जरूरी है आपने कुछ अग्रीमेंट साइन हुआ रहेगा, राइट ना, आपके बीच में और राइट ना, और टेनेंट के बीच में रेंट कुछ अग्रीमेंट साइन हुआ रहेगा। हम सबसे पहला क्या चेक करेंगे? अग्रीमेंट, दैट इज हमारे बीच में और टेनेंट के बीच का अग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट गाइस, हम चेक करेंगे अगर हम सामने वाले से रेंट कलेक्ट कर रहे, राइट, तो आपको मालूम है कि नहीं कुछ रिसिप्ट रिसिप्ट देना होता है सर। तो हम सेकेंड पॉइंट ये चेक करेंगे, अगर मेरे क्लाइंट ने अगर रेंट कलेक्ट किया है तो सामने वाले को रिसिप्ट दिया है कि नहीं, राइट, दैट इज हमने उसका एविडेंस, रिसिप्ट चेक करो। उसके बाद आप ये चेक कर लो गाइस, क्या वो जो रेंट है आप कलेक्ट कर रहे हो क्या कि आपका कोई थर्ड पार्टी कलेक्ट कर रहा है? समटाइम ऐसा होता है गाइस, आपका कोई प्रॉपर्टी है वो कहीं दूर है और आपका कुछ बिजनेस कहीं और है, तो हम समटाइम क्या करते हैं, हम एक थर्ड पार्टी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, भैया हमारे बिहाफ पे आप रेंट कलेक्ट करो। तो आप ये भी चेक कर लो गाइस, हम ऑडिटर्स हम ये भी चेक करेंगे वेदर हमारा क्लाइंट रेंट कलेक्ट कर रहा है कि कोई थर्ड पार्टी रेंट कलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आप ये चेक कर लो गाइस, कोई एडवांस रेंट तो कलेक्ट नहीं हुआ है? कभी कभी क्या होता है, एडवांस रेंट आ जाता है ना आपके पास, आने वाले एक डेढ़ साल का रेंट पहले से दे दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम चेक करेंगे, कोई आउटस्टैंडिंग रेंट तो नहीं है, राइट, आउटस्टैंडिंग रेंट भी होता है, आप ये चेक कर लो, बहुत जरूरी है। उसके बाद हम चेक करेंगे गाइस, वो जो भी आप रेंट कलेक्ट कर रहे हो वो चेक फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हो कि नहीं, हम चेक कर लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हम चेक करेंगे, रेंट के ऊपर टीडीएस काटा गया है कि नहीं, सबसे बड़ी बात है सर, सही बात है, टीडीएस काटा गया कि नहीं। तो सामने वाले ने जब पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस का प्रोविजन फॉलो किया है कि नहीं। और एक नया कंसेप्ट भी अगर इसमें मैं ऐड करूं तो दैट इज जीएसटी वाला कंसेप्ट, राइट ना, जीएसटी वाला। अब हम सामने वाले से अगर रेंट कलेक्ट कर रहे तो उसके ऊपर मैं जीएसटी लगाऊंगा उस और रेंट कलेक्ट करूंगा, दैट इज उसका रेंट बढ़ जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप एक रेंट अमाउंट कलेक्ट करते हो सामने वाले से और आपका साल भर का जो कलेक्शन है वो 20 लाख के ऊपर है, तो आपको एज पर द रूल रेंट पे जीएसटी लगाना चाहिए। तो हम लोग ये भी चेक करेंगे उसके ऊपर जीएसटी भी कलेक्ट हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली हम ये सब चीजें चेक करेंगे गाइस, एक सिंपल सा पॉइंट है, सबसे पहले अग्रीमेंट चेक कर लो, उसके बाद आप उसका रिसिप्ट चेक कर लो, उसके बाद हम चेक करेंगे गाइस कलेक्टिंग एजेंट कौन है, आप हो कि एजेंट है, उसके बाद हम चेक करेंगे उसको वो जो रेंट है वो कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, और लास्ट में हाँ आप नेक्स्ट पॉइंट चेक कर लो, आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, एडवांस तो नहीं है, और लास्ट पॉइंट आप चेक कर लो उसके ऊपर प्रॉपर जीएसटी टीडीएस का प्रोविजन कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, इतना सारी चीजें चेक कर लो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज ईकेडा। थैंक यू सो मच।